बायोलॉजिकल ना अंडरस्टैंडिंग, ताकि तुम्हें समझ में आए कि दोनों ओपनिंग बिल्कुल बराबर बराबर में नहीं है। रेस्पिरेटरी ट्रैक की ओपनिंग आगे से पहले आती है और ऊंची भी है, और इसकी अल्लाह ताला ने अहमियत है। अहमियत क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस इसको कहते हैं, तो ये नीचे की तरफ है पीछे की तरफ। क्यों ऐसा है, देखो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की ओपनिंग है ये गैसेस के लिए है, तो जब एयर आ रही होती है तो ये ओपनिंग खुली हुई होती है, लेकिन जब कोई भी सॉलिड या लिक्विड फेरिंग्स में दाखिल होता है, कोई भी सॉलिड या लिक्विड फेरिंग्स में दाखिल होता है, तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आई मीन ओ लेवल से पढ़ते आए हैं, कि जो एपिग्लॉटिस होता है ये ऑटोनॉमिक होता है फंक्शन में, ये खुद ब खुद क्या करता है, ग्लॉटिस को फौरन से बंद कर देता है, ताकि जो भी सॉलिड या अरे बोलो यार ये फूड की पाइप होती है जी, ताकि जो भी सॉलिड या लिक्विड आ रहा है वो देखो, इमेजिन करो ये पाइप, इमेजिन करो ढक्कन बंद है, अगर यहाँ पर ढक्कन बेटा बंद हो गया तो बताओ क्या होगा, कि ऑटोमेटिकली अगर वो यहाँ टच भी हो रहा है तो यहाँ से वो स्लिप होकर कहाँ चला जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाएगा। इस एनाटॉमिकल पोजीशन की अहमियत अगर समझ में आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दो। अगर ये ईसोफेगस ऊपर होता, सोचो जरा, ईसोफेगस ऊपर होता और रेस्पिरेटरी ट्रैक नीचे होता तो क्या होता, कि अगर कोई लिक्विड जो है वो ईसोफेगस में जाने से रह जाता तो वो स्लिप होके कहां आता, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता, और अगर ओपनिंग बंद भी हो जाती तब भी वो इसी स्पेस में जमा हो जाता ना। अगर मान लो पीछे वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक होता और इसके ऊपर लिड भी होती, लिड बंद भी हो जाती तब भी वो लिक्विड कहां आई। जानू बता रहा हूं, दो मिनट समझ करो, ठीक है, समझ में आई। तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी अहमियत की बात है कि हमें जो ईसोफेगस है ना, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है, बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो क्या है, इसमें छोटी छोटी चीजों पर गौर करोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करने मिल जाएगा, कि ये ईसोफेगस का पीछे और नीचे होना भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे आपका रिस्क कम हो जाता है कि कोई सॉलिड या लिक्विड आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए। अच्छा, अब इसमें जो एक सवाल आता है जेन्युइनली, जो आना भी चाहिए, कि बाज़ दफा आपने देखा होगा कि खाना आप खा रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, और अचानक से सरक सा जाता है, अचानक से आपको बहुत ज्यादा खांसी शुरू हो जाती है, आपको लगता है, वो कहते हैं सांस की नाली में कुछ चला गया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सरकता है और आप खांसने लग जाते हैं इनवॉलेंटरीली बहुत ज्यादा, तो सांस की नाली में कुछ नहीं गया है, वो सिर्फ जो है ना, वो जो ये जो वॉल थी, ये वाली ग्लॉटिस, इस पर टच हो गया है। इस पर क्या हुआ है, इट इज अ हाईली सेंसिटिव वॉल, तो फौरन से कफ आई है, ताकि कफ के थ्रू इसको यहां से क्या किया जाए, फौरन इसके इफेक्ट को खत्म किया जाए। क्यों, अगर ये अंदर चला जाएगा ना बेटा, फिर तो ये मेडिकल इमरजेंसी है। ये जो आप कहते हैं खाना सांस की नाली में चला गया, अगर वाकई चला गया होता, ये तो कॉमनली लोग कह देते, अगर अल्लाह ना करे कोई चीज वाकई सांस की नाली में चली जाएगी मेरे भाई, तो फिर तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एस्पिरेशन कहलाती है, और फिर इसको सकर के थ्रू निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक ट्यूब डाल के सक्शन क्रिएट करके फिर उसे खींचना पड़ेगा, वो भी अगर ऊपर ऊपर पड़ा हो तो, अगर अंदर चला गया फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। तो कहने का मकसद ये है समझाने का, कि जो हमें नॉर्मली खाने, अबे कोलोनोस्कोपी कहां से आ गई, हाँ, एंडोस्कोपी कहते हैं इसको। तो समझने की बात क्या है, कि जो हमें नॉर्मली खाने में सरक जाता है अक्सर, जो हम कहते हैं कि एकदम से गैग आना शुरू हो गया, एकदम से कफ रिफ्लेक्स शुरू हो गया, तो उसमें वो होता क्या है, कि आप गौर कीजिएगा ये कब होता है, रिपेल करते हैं, आप ये गौर कीजिएगा कि ये एपिसोड होता कब है, जब आप खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं या आप किसी और तरफ ध्यान लगाए हुए होंगे ना, तो ये चीज होगी। क्यों, क्योंकि जो एपिग्लॉटिस है ना, ये ऑटोनॉमिकली काम करता है। जब आपका ब्रेन किसी और तरफ बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, मैच देख रहा है, बातें कर रहा है, बहुत ज्यादा किसी और तरफ फोकस्ड है, तो बाज दफा क्या होता है, आप सॉलिड और लिक्विड अगर मुसलसल इनटेक कर रहे हो तो उसमें जरा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का क्या आ जाता है, डिले आ जाता है टू क्लोज दी ओपनिंग, और उस डिले की वजह से जो सॉलिड या लिक्विड तुम खा रहे थे वो ग्लॉटिस की वॉल को छूता हुआ गुजरता है, तो उसकी वजह से ये रिफ्लेक्स पैदा होता है। अल्लाह ना करे अगर अंदर चला जाए ना मेरी जान, तो लग जाएंगे लसन, ठीक है। बहरहाल, तो अब हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करनी है, तो ग्लॉटिस का क्या रोल है, इट इज द एंट्री पाथवे फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहां से जो आगे पूरा विंड पाइप है और पूरी आगे की कहानी है वहां, ये उसके अंदर ये एंट्री डोर है, और एपिग्लॉटिस इसके ऊपर मौजूद एक नेचुरल कार्टिलेजिनस लिड है जो ऑटोनॉमिकली कंट्रोल होती है व्हेनेवर एनी सॉलिड और लिक्विड एंटर्स इन फेरिंजियल रीजन, फेरिंग्स में जैसी कोई
सॉलिड या लिक्विड, अरे बोलो यार, एंटर करता है तो फौरन से एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को क्या कर देता है, बंद, ताकि वो कहां चला जाए, स्लिपिनो के ईसोफेगस में चला जाए। कोई मसला? नो। हाँ भाई, आफरिया जहानिया शिफा, समझ में आ गई बात? जी सर। शिफा तुम्हारा इनपुट नहीं आ रहा बेटा, किधर हो तुम्हारा? फातिहा पढ़ दें क्या? नहीं सर, अभी नया टॉपिक है ना, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हारे अपने गले की बात हो रही है भाई, नया टॉपिक क्या मतलब है? किसी एलियन का गला थोड़ी बना रहे, पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास गला है या नहीं है? और ओ लेवल्स किया था तुमने या नहीं किया था, ये बता दो। जी सर, कर नहीं सर, नया टॉपिक ना, तो इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, ज्यादा बोल नहीं रही। अच्छा, समझ तो नहीं आ रहा होगा जाहिर है, मैं तो समझाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो पेल देता हूँ ना, समझाता थोड़ी। चल आगे चलते। तो मेरे बच्चे अब ग्लॉटिस से आगे बढ़ते, तो अब क्या हुआ, एयर आई थी, जरा समझ लो, एयर आई थी, नोज में दाखिल हुई थी, नेजल कैविटी में उसका अच्छा खासा डस्ट भी ट्रैप हुआ था, उसका टेम्परेचर भी बड़ा था, वो मॉइस्चराइज भी हो गई थी, उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो अंदर घुसी, फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स में आने के बाद उसके सामने थी एक बड़ी सी ओपनिंग जिसे कहते हैं ग्लॉटिस, और सीधा हुआ उसके अंदर एंटर। अच्छा एक बात बताओ, क्या सारी एयर जो तुम इनहेल कर रहे हो सारी की सारी ग्लॉटिस में ही जाएगी या ईसोफेगस में भी जा सकती है? ये बात हम गौर नहीं करते, लेकिन इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ कंटेंट ईसोफेगस में, क्योंकि ईसोफेगस की जो ओपनिंग है ना वो खुली रहती है, वो बंद नहीं होती, उसके ऊपर कोई लिड शिड नहीं है, तो वो जो हम हवा भरते हैं वो पेट में भी जाती है, समझ में आ रही है, पेट में यानी स्टमक में भी बाकायदा चली जाती है, लेकिन मेजर प्रोपोर्शन, क्योंकि पहली ओपनिंग कौन सी है, ग्लॉटिस की है, तो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ एयर जो है जो हम इनहेल कर रहे होते हैं वो कहां जा रहा होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, क्योंकि इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ होता है अंदर, उसकी वजह से ज्यादा एयर किस तरफ मूव करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में मूव करती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो ईसोफेगस है उसमें कोई एयर नहीं जाती, ईसोफेगस में एयर जाती है, और जब आप सांस ले रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो एयर का जो है ना, एयर ईसोफेगस में इन और आउट होती रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब मेरे बच्चे ईसोफेगस से आगे बढ़ते, सॉरी ईसोफेगस कह रहा हूँ, ग्लॉटिस से आगे बढ़ते हैं, तो दिस वॉज आर ग्लॉटिस, है ना भाई, यही था ना ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस की जो ओपनिंग है ना मेरे बच्चे, जो ग्लॉटिस भाई साहब हैं, ग्लॉटिस की जो ओपनिंग है, दिस ओपन्स इनटू अ ब्रॉड चेंबर, दिस ओपन्स इनटू अ ब्रॉड चेंबर, एंड दिस ब्रॉड चेंबर इज कॉल्ड लैरिंग्स। अच्छा, अब बच्चों को ना फेरिंग्स लैरिंग्स जुड़वा भाई लगते हैं, अब समझ लिया तुमने कि फेरिंग्स एक रीजन है जो डाइजेस्टिव ट्रैक में भी डिस्कस होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी, लेकिन ये पर्टिकुलरली कहां आया है, ग्लॉटिस से अंदर आया है, तो क्या ये डाइजेस्टिव ट्रैक में डिस्कस होगा लैरिंग्स? नहीं होगा, ये प्योरली किस में डिस्कस होगा बच्चों, शिफा हानिया, अब ये ए लेवल्स में आपको गुंजाइश नहीं है कि आपको ये कंफ्यूजन हो कि फेरिंग्स क्या था और लैरिंग्स क्या था, फेरिंग्स होता कॉमन पार्ट, और जब आप डाइजेशन पढ़ते हैं वहां पर भी आप फेरिंजियल स्लोब की बात करते हैं, लेकिन लैरिंग्स जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, क्या है, ग्लॉटिस ओपन इन टू अ ब्रॉड चेंबर विच इज कॉल्ड लैरिंग्स। अब जब लैरिंग्स में आते हैं ना, तो लैरिंग्स के दो काम है, कितने काम है, लैरिंग्स के दो काम, ठीक है, एयर तो गुजरती है यहाँ से, तो एक तो ये एयर का पाथवे, एक क्या है ये एयर जा रही है ना, नोज से गुजरी, इंटरनल नोज से गुजरी, फेरिंग्स से गुजरी, ग्लॉटिस से आई, अब ग्लॉटिस से घुसी है तो किसमें आ गई, लैरिंग्स में आ गई, तो एक तो ये एयर का पाथवे, और दूसरा जो इसका एक और रोल है वो क्या, जब हम ग्लॉटिस को देखते हैं, अगेन मैंने कल भी लास्ट क्लास में बताया था कि एक मिरर आता है जिसको हम लैरिंजियोस्कोपिक मिरर कहते हैं, तो वो मिरर अगर आप ले लें तो दूसरे के गले में डालें तो आप उसका लैरिंग्स देख सकते हैं, लैरिंग्स देख सकते हैं, क्या डेंटिस्ट के पास होता है, तो बेटा जब आप लैरिंग्स को देखेंगे ना, तो लैरिंग्स में आपको इस तरह की दो मस्कुलर कॉर्ड्स एक्स शेप में क्रॉस करती हुई नजर आएंगी, दो मस्कुलर कॉर्ड्स जो है वो एक्स शेप में क्रॉस करती हुई नजर आएंगी, एंड वी कॉल देम वोकल कॉर्ड्स, क्या कहलाते हैं इसको, वोकल कॉर्ड्स, क्यों वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, क्योंकि बेटा इट इज द वाइब्रेशन ऑफ दीज कॉर्ड्स, इट इज द मूवमेंट ऑफ दीज कॉर्ड्स विच जनरेट साउंड, देखो ना, अब बच्चे कहते हैं सर वाइब्रेशन साउंड कैसे पैदा होगी, अबे गिटार में साउंड कैसे पैदा होता है, गिटार में क्या करते हो, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हो तो आवाज आती है ना, कितनी आवाज आती है, पूरे पूरे म्यूजिक गाने चल रहे हैं सब कुछ, अबे तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें क्या दी है, मस्कुलर कॉर्ड्स दी है, ये वाइब्रेट करती है तो आवाज पैदा होती है, लेकिन देखो दो बातें, एक है आवाज पैदा होना और एक है उसकी प्रोनाउंसिएशन, ये वर्ड्स, आवाज पैदा कहां से हो रही है, वोकल कॉर्ड से, लेकिन उस आवाज को शेप देकर साउंड में कर, मैं रुक जा, मैं तू बोल ले भाई,
तो वोकल कॉर्ड आवाज पैदा तो कर रहे हैं, और जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट इंटेंसिटी, जब एक जो सिंगर है